भागलपुर जिला स्कूल परिसर में दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जहां दो दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, एसडीओ धनंजय कुमार एवं रोजगार मेला से जुड़े अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं प्रमंडलीय स्तर रोजगार मेला नियोजन के व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा, जहां नॉन मैट्रिक से उच्चतर योग्यता धारी सहित डिप्लोमा धारक रोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह रोजगार मेला में आए सभी युवाओं से कहा कि आप लोगों के लिए अच्छी पहल बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग ने की है, जहां युवा महिला पुरुष को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आयोजित दो दिवसीय रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के कुल 38 कंपनियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 4800 से अधिक पद के लिए बेरोजगार युवक युवतियों को अवसर प्रदान किया जाएगा, जबकि दो दिवसीय रोजगार मेले का पहला दिन ही बेरोजगार युवाओं का काफी संख्या में भीड़ रहा। इस मेले का आयोजन जो है वो श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया है, और आप आज जान रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जो सक्षम युवक युवतियां हैं उनको आवंटित किए जाएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा अगर वो एग्री होंगे इस जॉब को करने के लिए। तो ये इस तरह के आयोजन के लिए मैं टीम को धन्यवाद देता हूँ, और पिछले साल लगभग एक साल में कई इस तरह के आयोजन हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि राज्य स्तर पर भागलपुर की जो है वो रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, प्रथम स्थान पर है भागलपुर जिला। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय है उसके सारे निश्चयों का अनुपालन हम लोग कराते हुए युवक युवतियों के स्किल को भी इम्प्रूव करें, उनको रोजगार के भी बेहतर अवसर दें और वो आगे बढ़ें, जिससे कि देश और समाज आगे बढ़ेगा। इस प्रयास को लेकर के हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ये प्रयास जारी। अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार, R9 भारत।